2024 में आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। अब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे अपने पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। राम मंदिर का कोर्टर बनवा दिया, सरकार ने थोड़ी बनवाया। इधर से हिंदू से भी तो एकाध गलती हो ही सकता है। मुसलमान वासी नहीं है, उसको हम वासी नहीं कहेंगे। और आज मोदी सरकार हिंदू को बिल्कुल पीछे खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार तो हिंदुओं की सरकार ही कहेंगे, हिंदुत्व सरकार को लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये तो आपको भी दिख रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा केंद्रीय सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो नूह में हुआ है, जो इस तरीके से हिंसा भड़की है, उसको लेकर जो है ये केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं। किस तरीके का संरक्षण चाहिए आपको हिंदुओं के लिए? हिंदू तो बहुसंख्यक है और वही कहा जा रहा है कि हिंदू आतंक मचा रहा है। हम बहुसंख्यक हैं, रहेंगे भी, लेकिन हम लोग हथियार के इस्तेमाल नहीं करते, रोड़े पत्थर के ईंट के इस्तेमाल नहीं करते, किसी बहू बेटी की इज्जत की इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वो लोग इस तरह की नीचे हरकत कर रहे हैं और केंद्र सरकार या स्टेट सरकार, ये दोनों सोई हुई हैं, उन्हीं को जगाने के लिए आए हुए हैं जो हमारी हिंदू बहु बेटियों की रक्षा करो भाई। कोई भी हिंसा हो रहा है उसमें हिंदू बराबर का हकदार नजर आता है। बराबर का हकदार आप लोगों को नजर आता होगा, लेकिन हम सब तो बराबर के हकदार नहीं है। हम उनके तरह हथियार लेके तो नहीं घूमते हैं, उनके तरह हम किसी बहु बेटियों की इज्जत तो नहीं लूटते हैं। आप बताइए, हमारे हिंदू में कितने हमारे आपको अभी तक मिला है जिहादियों का इस तरह का कारोबार? तो ये सब हरियाणा में जो केस हुआ था आपने सुना था, निक्की नाम की लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया था, उसका नाम विक्रम सिंह था, हिंदू ही था ना वो। देखिए, ये सब बातें यदि वो 1000 कर रहे हैं, इधर से हिंदू से भी तो एकाध गलती हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा आतंक तो वही मचा रहे हैं। तो आपको अपने अंदर की बुराइयां नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बुराइयों को भी हम उजागर करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर की भी जो बुराइयां हैं, एकाध बहुत मुश्किल से 0% के बराबर है। ठीक है, ये नहीं कहते जो हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उन लोगों की आतंक ज्यादा है। हाँ, मुसलमान जो है भारत में उतना ही, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है, वो भी भारतीय है, बराबर के हकदार है। क्यों अधिकार है? वो भी भारतीय है, भारत के मुसलमानों का, बाहर के नहीं। भारत बनाने में, भारत को आजादी दिलाने में उनका भी उतना ही हक रहा है, उतना ही कुर्बानी दी है उन्होंने। दी है कुर्बानी, ऐसा कौन कह रहा है, लेकिन हमारा आज हम इस समय हम अपनी सुरक्षा खुद करने पे वो हो गए हैं कि मुझे अब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे अपने पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा बिना हम, क्योंकि हमें कोई पुलिस नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि केंद्र के हाथ में है सारी पुलिस, तो हमारा कोई समर्थन नहीं करेगा। इसलिए मोदी सरकार तो हिंदुओं की सरकार ही कहेंगे, हिंदुत्व सरकार को मोदी सरकार को हिंदू ही लाने वाला है। और आज मोदी सरकार हिंदू को बिल्कुल पीछे खड़ा कर दिया है, ये रीजन है। और आज ये 2024 में आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। तो कौन है जो आपके हित का बात करेगा? परवीन तोगोड़िया, वो मेरे हित का बात करेगा। आप कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को खदेड़ कर भगाएंगे? खदेड़ कर नहीं, जो हमारे ऊपर अन्याय करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, और हम यहाँ के वासी हैं, हम भारत के हिंदू वासी हैं। मुसलमान वासी नहीं, वासी नहीं है, उसको हम वासी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप बताइए, क्या कहेंगे आप पूछ रहे हैं तो आप तो बताइए। नहीं, हम क्यों बताएं, आप बताइए, आप उन्हें वासी ना कहकर क्या कहेंगे? वासी नहीं कहेंगे उनको, यहाँ की नागरिकता दी गई है। वासी उसको कहा जाता है जो यहाँ प्रॉपर रहा हो, जो भारत देश का है, जिसके पूर्वज भारत के लिए काम किए, जिनका जन्म इस देश पे हुआ, उनका भी हुआ है, लेकिन वो नागरिक है, हम लोग वासी हैं। ये आप नागरिक, भारत का जब निर्माण हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेज आए, जितने भी गुलाम रहा, उसमें मुसलमानों का भी योगदान तो था ना, बराबरी के आज़ादी की लड़ाई में उतनी ही कुर्बानियां दी इन्होंने भी जितना कि हिंदुओं ने दिया है। तो आज के समय में ये मुसलमान जो हैं आतंकवादी क्यों बन जाते हैं?
हिंदू आतंकवादी नहीं है? नहीं, इसका प्रूफ हमें दिखाइए, हिंदू कोई आतंकवादी है? जो ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान ने, आरपीएफ जवान ने ट्रेन में गोली मार दी है, वो उसके बारे में टारगेट करके उसने मारी है, वो भी तो हिंदू था? वो भी तो हिंदू था ना? उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है ना? नहीं तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। उसने मुसलमानों को मारा है, क्यों बात नहीं करेंगे? कोई गलती की होगी तो इसलिए मार दिया। नहीं, उसने कहा कि भारत में रहना तो योगी मोदी कहना पड़ेगा। यदि ऐसा कह रहा है तो उसकी विचारधारा है और हमारी भी हो सकती है आगे समय में। तो क्या लोकतंत्र अब खत्म हो गया है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये तो आपको भी दिख रहा है। कौन खत्म कर रहा है? केंद्र सरकार। कैसे? अब इस पे ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। नहीं, वो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है मुसलमान, आप मुसलमानों से कैसा खतरा है आपको? अरे हम बेटा हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप जिहादियों की बात कर रहे हैं, पत्थरबाज की बात? हाँ। तो पत्थरबाज को आपका टारगेट तो वही है ना? हमारा टारगेट है जो देश विरोधी है। कौन है देश विरोधी? जो भी हो, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। पहले जगह बम फट जाए, गोलियां चल। जो देश का विरोध करेंगे उनका विरोध हम करेंगे, ये है बात। जो देशद्रोही हैं उनका विरोध सारा देश को मिलकर करना चाहिए, ये है बात। ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन में जो आरपीएफ के जवान ने गोली मारी, खबर जानते हैं, वो हिंदू था तो वो देश विरोध में काम तो उसने भी किया है, विरोध करेंगे आप उसका? वो भी पागल ही था। नहीं, पागल कैसे था? क्यों नहीं विरोध करेंगे उसका? जो आदमी जो शुरू में गोली मार रहा है किसी को, तो विरोध तो उसका होगा ही। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं था। वो तो जब मेंटली फिट नहीं था तो उसके हाथ में हथियार कैसे, सुरक्षा में तैनात कैसे कर दिया? रेलवे वालों से पूछो ना, वो बताएंगे। तो बात की एक बात बोल दो, केंद्र सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए ही काम करने के लिए कही जाती है, हिंदुओं हिंदुत्व का बढ़ावा देती है? नहीं देती है, हिंदुत्व का कोई बढ़ावा नहीं दे रही है। हिंदुत्व का बढ़ावा देता तो पुलिस वाले मार दिए। राम मंदिर बनवा तो दिया, वो काम बनवा दिया, राम मंदिर का कोटर बनवा दिया, सरकार ने थोड़ी बनवाया। कहते हैं हमारी सरकार में उसका निर्णय आया। अरे उनकी सरकार में आगे अलग बात है, लेकिन कोर्ट ने बनवाया, सरकार ने क्या काम बनवाया, सारे काम कोर्ट में हो रहे हैं। अब दूसरा काशी का मामला वो भी कोर्ट में ही चल रहा है, सरकार का उसमें क्या, सरकार थोड़ी बनवा रही है। सरकार जो है कह रही है आप ही के हित में काम कर रहे हैं, आप उसी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई हम कहाँ सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सरकार बढ़िया काम करे। कैसे काम करे सरकार जो आपको अच्छा लगेगा? सरकार सबको बराबर समझे, ये हम लोग रोना रो रहे हैं। हमारा कहना ये सरकार सबको बराबर समझे देश में, ये है बात। तो क्या आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है बताइए आप, कहाँ मिल रहा है? वो हद जाने वालों को वहाँ पैसे मिलते हैं, हक जाने वालों को, और बाकी नहीं मिलते। तो आपने सुना कैसे इन सब की अपनी अलग अलग जो विचारधारा है वो आपने सुना। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, नू के जो कांड हुए, जो हिंसा हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी गिरी, जंतर मंतर, जनहित आवाज़।